नागपुर के सीताबेड़ी पुलिस थाना अंतर्गत सेंटर पॉइंट होटल के सामने बीती रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क से जा रही दो कार और एक दोपहिया गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से अपनी कार लेकर फरार हो गया था, जिसे बाद में ढूंढकर पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस अंतर्गत सेंटर पॉइंट होटल के पास बीती रात करीब 12:30 बजे के दरमियान सेंटर पॉइंट होटल के सामने रामदास पेट में यह दुर्घटना हुई है। एक तेज रफ्तार ऑडी कार चालक ने सड़क पर सामने से चल रही दो कार और एक एक्टिवा गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी थी और बाद में घटनास्थल से फरार हो गया। ऑडी कार को आरोपी अर्जुन हावरे नामक व्यक्ति चला रहा था। आरोपी कार चालक ने पहले सोन काबड़े की कार को टक्कर मारी थी। इस दुर्घटना के समय ऑडी कार में ड्राइवर सहित रोनित नामक युवक बैठा था। इस दुर्घटना के बाद दोनों कार में क्षति पहुंची है और कुछ देर के लिए परिसर में खलबली का माहौल पैदा हो गया था। बाद में इस घटना की शिकायत फरियादी ने पुलिस को दी। पुलिस ने इस घटना में शामिल आरोपी अर्जुन को तहसील थाना परिसर से ढूंढकर रात में हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपी कार चालक का मेडिकल करवाया है और ब्लड सैंपल को जांच के लिए आगे भेजा है। यह कार किसी बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता के लड़के की होने की चर्चा है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। फिरियादी जितेंद्र शिवाजी सोनटक्के वय 40 वर्ष राहणार पटवर्धन नगर संगम धंतोली नागपूर यांनी पोलीस स्टेशनला दिनांक 9/9/2024 चे 00:30 वाजता अपघात घडल्याची तोंडी फिर्याद दिली। त्यानुसार आम्ही पांढऱ्या रंगाची आडी गाडी यावर अपराध नंबर 9/38/24 कलम 281 125 125A 325A 324(2) नवीन कायदा BNS RW 184 MU Act यानुसार आरोपी अर्जुन जितेंद्र हावरे वय 24 वर्ष राहणार खामला हावरे लेआउट याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपीच्या वैद्यकीय तपासणी करण्यात आलेला आहे, ब्लड सॅम्पल घेतलेला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। त्यामध्ये आरोपीनं ज्या गाड्या पुढे चाललेल्या होत्या त्या फिर्यादीच्या गाडीला मागून धडक दिलेली होती, त्यामध्ये गाडीचं किरकोळ नुकसान झालेलं आहे। त्याच्या बाजूला समोर दुसरी गाडी कार होती, त्या कारला सुद्धा धडक लागली आणि एक ऍक्टिवा सुद्धा धडकली आहे, त्यामध्ये सगळ्या तिन्ही गाड्यांचं किरकोळ नुकसान झालेलं आहे, त्याबद्दल आम्ही तपास करत आहोत। आरोपीच्या गाडीमध्ये तो चालक आहे अर्जुन वाघ हावरे आणि त्याचा एक मित्र असे दोघे ते त्या ठिकाणी प्रवास करीत असताना घडून आलेले आहेत। ताब्यात घेतलेलं होतं आणि त्याचा वैद्यकीय तपासणी करून पुढील तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।